आपको मालूम है जब राम जी का वनवास हुआ तो श्रृंगारी को नहीं था, पीत वस्त्र पहरे हुए बलकल महा उदासी के भेष में, तापस भेष विशेष उदासी, अत्यंत अप्रग्रही। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आभूषण और कपड़ा पहनकर सुंदर बनते हैं, और कुछ ऐसी मुक्तें होती है जिनको श्रृंगार पहुंचने के बाद, वस्त्र पहुंचने के बाद वस्त्र सुशोभित हो जाता है। राम जी का जो स्वरूप है वो देखो, गंवार स्त्रियां कह रही है वन यात्रा में, जब राम लक्ष्मण जानकी एक गांव के बाहर एक चौतरे में जाके बैठे, सारे गांव वाले दौड़े, पुरुषों ने घेर लिया राम लक्ष्मण को, और जो स्त्रियां थी, लड़कियां, बहुएं, माइयां, दादियां, इन सबों ने घेर लिया जानकी जी को, और अपलक गति से सब नागरिक दर्शन कर रहे हैं, और सबके मन में चाव था कि पूछे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, आखिर इस जंगल में ये सब कुछ क्या है। तो एक जो सयानी थी बुढ़िया माई, बहू ने बेटियों ने कहा, दादी तू पूछना ये कौन है, इनके वो लोग कौन है। लंबा प्रसंग है। वहां एक स्त्री ने कहा कि बेटी ये दोनों कोटि मनोज ल जामनिहारे, कोटि मनोज ल जामनिहारे, कोटि जामनिहारे, कोटि मनोज ल जामनिहारे, कोटि मनोज ल जामनिहारे, सुमकी कहो को सुंदर मंडल वाली, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं। मैया जानकी ने कहा कि बताना पड़ेगा, अनपढ़ माइयां हैं, कहीं इनके मन में शंका हो गया तो कि मैं कौन हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भटकाया करके लिए जा रहे हैं लोग। तो जानकी जी ने बड़े मर्यादित ढंग से, वो गांव की औरतें अनपढ़ पर बहुत ही सिविलाइज्ड, उनके पूछने का देखिए ना साहित्य। तो जानकी जी ने कहा कि देवियों, ये जो बड़े सुंदर से हैं ना, सहज ही, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये लघु कह करके गड़बड़ा गया मामला। अब इनके तो तीन देवर हैं, तो माता जी ने तो ठीक कहा, लेकिन स्त्रियों के बात समझ में पूरी नहीं आई। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर गोरे। बोले अच्छा, ये गोरे वाले आपके देवर हैं। लड़कियों ने पूछा कहा कि फिर ये देवर है तो वो कौन है, पूछ क्लियर कर ले, ये छोटा देवर है तो कि वो बड़ा देवर है कि और है कुछ, लघु देवर बड़े देवर पूछो। तो जब प्रभु के लिए पूछा गया तो बहुरी बदन विधु अंचल जाती, बदन विधु अंचल तन चितई भाव करी बाकी, तन चितई भाव करी बाकी। जब देवर जी का परिचय देना था तो कोई पर्दा पुर्दा नहीं, लेकिन जब बताना पड़ा कि ये मेरे पति हैं, आज भी देख रहा हूं इस कलयुग में यहां बहुत सी माताएं हैं जिनके सर पर पर्दा है,
घूंघट है, कमला माता थोड़े और नीचे कर ले। श्री राम जय राम। यह हमारी संपत्ति रही है माताओं की, आंचल से न जाने क्या क्या। हमारी माँ को भी मैंने देखा, वो जब जल चढ़ाती थी तो आंचल ले करके प्रार्थना करती थी, आशीर्वाद मांगती थी। बेटियों को हम लोग विदा करते तो आंचल में ही चावल पैसा, पता नहीं जहाँ जहाँ का जो रिवाज हो, खोइछा बोलते थे उसको, इधर होता है कि नहीं होता, श्री राम जय राम। और अगर ये नाराज हो जाए और किसी का बर्बाद करना चाहे तो यही कहते कोई का नाश हो, बर्बाद हो। ये आंचल बड़ी संपत्ति है। आंचल मैया ने आंचल कर लिया कि अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि ये मेरे पति हैं तो कहेंगे ये लोग कि कितनी गुदंड है ये, जरा भी हम लोगों का ख्याल नहीं है। घूंघट किया, निज पति तीन ही की कहो सी सैननी, बोले ये मेरे, बोलो ना पति नहीं, ये मेरे वो है, ये मेरे वो है। वो आज का मॉडर्न देवी होती तो कहती ये मेरे देवर हैं, बोले वो कौन है, बोले ये मेरे हस्बैंड हैं, बैंड बाजा श्री राम जय राम। ये पति जो पद रखने वाला था, पत्नी की लज्जा रखने वाला था, वो बैंड मास्टर बन गया है। याद रहे जिस जाति की भाषा जाति रही वो जाति भी जाति रही, बस जाति आ गई तो कल खत्म हो जाएगी। उसको कल्चर लेस करने का एक ही तरीका है कि उसके भाषा का अपहरण कर लो। जो बहुत साल पहले अंग्रेजों का प्लान था, बोले हम जाते जाते ऐसी चीज यहां छोड़ जाएंगे बिन प्रयास ही क्रिश्चियन लोग पैदा होंगे, काले काले अंग्रेज। और आज देख लीजिए, शिक्षा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से, और क्या हिंदुस्तान उसके लिए पीछे है क्या, असमर्थ है क्या। अरे हमने भ्रमण किया जब तुम्हारी समृद्धशाली नगरों का, उस वक्त मुझे राम जी याद आ रहे थे कि जनकपुर उन्होंने घूमा था, नगरावलोकन किया था, जो हम कई बूढ़ी माताएं मिली जो यहाँ नहीं आ सकती हैं, शहर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है ये। और कभी कभी ऐसा होता है, राम भी तो चलकर सेवरी के पास गए थे ना, हम भी उस माँ के दरवाजे पर चल के पहुंचे जो दरवाजे से बाहर निकल कर मेरा स्वागत कर रही थी, श्री राम जय राम। अपना भेष, अभी गुना का वातावरण बहुत सस्त है बड़े बड़े शहरों में। कल हमारे शर्मा जी रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी शर्मा बंबई और कहाँ का नाम ले लेकर के कुछ स्मरण दिला रहे थे आपको। आप जाकर बड़े बड़े शहरों में देखें, इतनी नग्नता है, अभद्रता है, पहनने का जो ड्रेस है खास करके देवियों का सब भ्रष्ट हो रहा है। आप अपने घर का ध्यान दीजिए। प्यार से अगर बिटिया कहती है कि हमको ये ड्रेस सिलाना है जिसमें चुन्नी की जरूरत नहीं है तो नहीं देना है, नहीं देना है। क्यों नग्नता को जन्म दे रहे हो? 10 साल की बच्ची बिटिया उसके सब सब पूरा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कपड़ा चाहती जैसा पहनना। लेकिन जैसे बेटी किशोर अवस्था की तरफ बढ़ती है आप अपनी मर्यादा की रक्षा कीजिए ना। भेष ये ना हो तब भी मैं निर्माण कर सकती हूं, लेकिन ये मेरी पहचान है। लाखों के बीच में एक पगड़ी वाला दाढ़ी वाला दूसरे नजर आ जाए तो लोग कह रहे कि ये सरदार जी हैं। हजारों की भीड़ में काला कोट टाई वाला मिल जाए तो बोलेंगे कौन है ये, वकील।
भेष आपका परिचय देता है। भेष आप क्या हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, कैसे चिंतक है आप, ये आपके भेष से पता चलेगा। तो भेष, भाषा, भोजन, इन पर ध्यान रखिए। आज मैं गया था राजेश के यहाँ, मड़वारी, मड़वारी भाषा है क्या नाम उसका, तो वहां मैंने देखा मीनू पड़ा आज, और वहां लिखा था कि वेजिटेरियन बर्गर। मैंने कहा शुक्र है बर्गर आ रहा, आ गया बर्गर गुना में आ गया। अब देखिए ना वो क्या क्या निकलेगा भोजन, ऐसी वो चाइनीज भोजने बच्चों की सेहत बिगड़ रही है, उनके लीवर खराब हो सकते हैं। और वो कौन सी रोटी बनती है, एक मोटा मोटा आपको पता ही नहीं है। अच्छी बात है, हाँ जोर से बोल पिज्जा। तुम लोग तो ठीक हो, लेकिन ये लंबे जीव वाले लोग उसको मालूम है पिज्जा, पिज्जा खाने की जरूरत नहीं है, पिज्जा। याद रखिए भोजन, भाषा, भेष आपके संस्कृति का प्रतीक है। ये 15 वर्षीय किशोर श्रीराम जब आए तो उनके उम्र वाले बच्चे साथ लग गए, फिर बड़े बुजुर्ग भी लग गए, और फिर स्त्रियां पूरे हल्ला मच गया। राम जी के स्वरूप को देख करके आपस में कह रही है कि ये लंबा प्रसंग है, ये बर सांवरो जानकी जोगू, ये सांवला वाला आज जनक नगरिया निहाल सकिया, आज जनक नगरिया गा, आज जनक नगरिया निहाल सकिया, आज जनक आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों। ये मुझे भी नहीं आता, ये हमारे प्रेम भूषण जी बहुत अच्छा गाते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया चारों दुल्हा में बड़का चारो दुल्हा बड़का कमाल सखिया। सुनो ना, वो घुसर घुसर हो रहा है, कुछ ठीक समझ नहीं आ रहा है। एक कहती है कि बरसा मरो जान की जो, दूसरे ने कहा काहे को भूमि पराकर कहता काशा, कहा शिव कर को दंड कठोरा, ये सामने मृदुगात किशोरा। क्या बात कर रही हो, देखती नहीं जनक ने धनुष को रख रखा है, जो धनुष को तोड़ेगा उससे ब्याह होगा, ये नंदे मुंडे। दूसरी ने कहा सुन सखी इन कहा को वस कहीं, देखत लघु प्रभाव बढ़वाई, श्री राम जय राम। ये देखने में छोटे हैं, रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तब भागा, छोटा सा सूर्य तीनों लोग के अंधकार को दूर कर देता है उदित होते ही। मकराखी दो बंद दो मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप बख सुनी हर की सब नारी।